हमारे भाइयों के लिए मार्केट में एक नया जॉब ऑफर आया है। चल 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 चल। बस करना कुछ नहीं है, लेडीज को प्रेग्नेंट करना है। नहीं, मैं नहीं मानता। और उसके लिए आपको मिलेंगे 13 लाख रुपए। पैसा ही पैसा होगा। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाए, लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब फायदा ही फायदा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर आपको पता चले कि ये स्कैम है तो क्या करोगे आप? नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मार्केट में एक नए तरीके का स्कैम है जिसका शिकार कई लोग हो चुके हैं। इसका नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब स्कैम। लोग पैसा कमाने के लिए क्या से क्या करते हैं, कितने तरीके के जुगाड़ लगाते हैं कि उन्हें भी कहीं से भी पैसे मिल जाए और पैसे कमा ले, वो अमीर बन जाए, धन दौलत कमा ले, शोहरत कमा ले। और जिसके लिए लोग गलत प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, उसी में से ये एक स्कैम है। 25 दिन में पैसा डबल। लोगों के अंदर लालच आ जाती है, पैसे कमाने की भूख आ जाती है कि हमें कैसे भी पैसा कमाना है। खबरों के मुताबिक ये जो स्कैम है ये बिहार से शुरू हुआ है। बिहार के कुछ लड़कों ने मिलके, गांव के लड़कों ने इस स्कैम को स्टार्ट किया था। कुछ लड़के थोड़ा गांव से हटके, गांव से बाहर आकर एक जगह बैठते हैं जहां ऊंची जगह होती है। अपने गांव में कई जगह देखा होगा कि एक ऊंची जगह होती है बैठने के लिए, वहां कुछ लड़के ग्रुप बनाकर बैठते हैं और वहां से इस स्कैम को अंजाम देते हैं। और अपने साथ वो कम से कम 20 से 25 गांव वाले जो लड़के होते हैं, यूथ होते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, अपने साथ स्कैम में शामिल कर लेते हैं। और वो गांव से भी बाहर इसलिए आते हैं कि हटके जाके बैठते हैं, इसलिए ताकि किसी को शक ना हो, किसी को इस स्कैम के बारे में पता ना चले। और जो उनका टारगेट था, मेन टारगेट थे यूथ और शादीशुदा लोग जो 40-50 साल के होते हैं, वो भी कभी कभार इस स्कैम में फंस जाते हैं। और यूथ तो फंसता ही है, जो जवान लड़के होते हैं। बस वो लोगों को जॉब ऑफर करते थे कि लेडीज को प्रेग्नेंट करना है, इसके लिए आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर प्रेग्नेंट लेडीज नहीं हुई तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस पर थोड़ा लालच तो आता ही है लोगों को। पैसों के लालच में लोग सोचते हैं कि फायदा ही हो रहा हमारा कुछ इसमें नुकसान तो है नहीं, चाहे कुछ भी हो। इसके चक्कर में वो लोग 3 से 4 चार्जेस चार्ज करते हैं और लोग दे देते हैं खुशी खुशी कि हमारा फायदा ही हो रहा है। और इस चीज़ को लीगल करने के लिए एफिडेविट भी बनाते थे कि अगर आप प्रेग्नेंट करते हो किसी लेडीज को, तो बाद में आप कहो ना कि आप उसके फादर हो या वो, उसके चक्कर में वो एफिडेविट बनवाते थे जिससे लगे कि पूरा काम लीगल है। और जब कोई इस ट्रैप में फंस जाता था, स्कैम हो जाता जिसके साथ, तो मोस्टली लोग बता नहीं पाते थे कि उनके साथ स्कैम हो गया, वो क्या ही बताएंगे। आप सोचो अगर कोई शादीशुदा आदमी बताएगा कि इसके साथ ये स्कैम हुआ है, तो सबसे पहले तो अपने घरवाली से पिटेगा, अब बाद में किसी और से पिटेगा वो। और कोई जवान लड़का है, अगर वो बताए कि उसके साथ ऐसा स्कैम हुआ है, तो सोसाइटी क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे कि कैसा जॉब करने जा रहा था, इसे स्कैम में फंस गया। सोशल स्टिग्मा के चक्कर में कोई नहीं बताता भाई, कोई कंप्लेन ही नहीं करना चाहता इस स्कैम के बारे में। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कंप्लेन करी, जिसके कारण इस स्कैम के बारे में पता चला और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए इस स्कैम के चक्कर में, और कुछ लोग फरार भी है अभी। और ये स्कैम बढ़ता जा रहा है, जिन लोगों ने शुरुआत करी थी इस स्कैम की, भले वो ना कर रहे हो, और ये स्कैम और जो स्कैमर्स है वो यूज कर रहे हैं लोगों से पैसा लूटने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को जाल में फंसाने के लिए कि तुमसे पैसे ले लिया जाए। और ये जो स्कैम है वो दूसरे रूप में आ रहा है, अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो आप थोड़ा सतर्क रहो, बच के रहो। अगर आपके साथ अगर कोई ऐसा स्कैम होता है, तो आप जो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर कंप्लेन करो, या जो साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप कंप्लेन करो, ताकि ऐसे स्कैमर से आप बच सको और जो दूसरे लोग हैं वो बचे रहे और ऐसे स्कैमर्स पकड़े जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो, स्कैम से बच के रहो।